केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पंजाब में किसानों का 3 दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन जारी रहने और कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठने से कम 92 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक लोहिया खास एक्सप्रेस स्पेशल कोटकापुरा फजलिका, डेमू एक्सप्रेस स्पेशल जलंधर सिटी होशियारपुर, डेमू स्पेशल समेत दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं बता दें कि किसानों ने हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज MSP की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को फिरोजपुर मंडल के तहत 91 ट्रेनों में से 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और 24 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया गया था, जबकि 5 ट्रेनों को प्रस्थान स्टेशनों से आगे चलाया गया तो वहीं 11 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। शुक्रवार को ट्रेनों की स्थिति के बारे में भी रेलवे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि किन रूटों पर कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं या फिर उन्हें कौन से तरीके से डाइवर्ट किया गया है। आप भी इस लिस्ट में ट्रेनों के आवागमन की मौजूदा स्थिति जान सकते हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केंद्र के खिलाफ 30 सितंबर तक अपना आंदोलन चलाएंगे। गुरुवार को मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जलंधर, तरन तारण, संगरू, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर में 17 जगहों पर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की है। अमृतसर में किसान देवीदासपुरा में अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं। इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद, आजाद किसान समिति दौबा, भारतीय किसान यूनियन भैराम के, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और भारतीय किसान यूनियन छोटू राम सहित कई किसान संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो बता दें कि किसानों की मांग में उत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज, सभी फसलों पर MSP के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित अन्य मांगे शामिल हैं। अमृतसर में किसान नेता गुरुबचन सिंह ने कहा कि किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। इसी के अलावा उन्होंने यह भी मांग की कि खत्म हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए और एक परिजन को सरकारी नौकरी जरूर दी जाए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।